सांसद के दौरे में जगह जगह पीड़ितों ने दिया ज्ञापन, न्याय की लगाई गुहार। रसूलपुर टपरा पर आदिवासियों समेत ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सांसद के साथ विधायक महोदया जिस गांव का दौरा करने निकले उसके नाम से ही है अनजान। सांसद की बैठक में नहीं पहुंचे स्मार्ट सिटी के अधिकारी। प्रस्तुत है गंज वासोदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। विदिशा के सांसद रमाकांत भार्गव का दौरा नागरिकों की समस्याओं और ज्ञापन से भरपूर रहा। त्योंदा में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने पीड़ित परिवार ने सांसद से मुलाकात की और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया, तो वहीं रसूलपुर टपरा के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं के न मिलने पर सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया और फूल देकर सांसद से समस्याओं को निराकरण करने हेतु निवेदन किया। दौरे के दौरान जब मीडिया ने विधायक लीना जैन से उक्त गांव का नाम पूछा तो विधायक चुप रह गईं और कैमरा बंद करने का प्रयास किया। क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव मिनी स्मार्ट सिटी की समीक्षा बैठक लेने नगर पालिका पहुंचे, तब सांसद महोदय को पता लगा कि बैठक में अधिकारी और ठेकेदार ही नहीं आए हैं। तब सांसद ने नाराजगी व्यक्त करते हुए समीक्षा की बात कही और वहीं दूसरी ओर चल रहे निर्माण कार्य को स्थानीय नागरिकों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए काम रोककर सांसद को ज्ञापन देने पहुंच गए। क्या समस्या है, कौन सा ग्राम है, क्या है नाम बता? हमारा नाम राखी है, ग्राम रसूलपुर है। हम नेटकपरों पर रहते हैं, यहाँ हम 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन ना ही यहाँ पानी की व्यवस्था है और ना ही सड़क है। हमें बस कार्य में जो मिट्टी कितना कीचड़ होता है, यहाँ खसते हैं और निकल भी नहीं पाते। पानी भरने के लिए 1-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, यहाँ ना तो कुछ निकल ही नहीं पाते व्यवस्था। तो आज आप लोगों ने आज प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन दिया है, आपकी मांगों को लेकर दिया है आपने? जी। तो अब कहते हैं तो सुनते ही नहीं है, हाँ हाँ भर देते हैं और सुनवाई कुछ होती नहीं है। विधायक महोदय, ये कौन सा ग्राम है ये वाला, ये कौन सा गांव है, ये कौन सा गांव है? विधायक महोदय, ये कौन सा ग्राम है ये वाला, ये कौन सा गांव है, ये कौन सा गांव है? हमें पानी और सड़क दोबारा साफ पैसा और कुछ नहीं चाहिए। आप कितनी बार शिकायत कर चुके विधायक महोदय? 10 बार में विधायक जी से खुद बोल के आओ कार्यालय में। अच्छा, लेकिन मुझे आश्वासन दे दे जाते कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। 10 लोग गए, हमने कहा बारिश के पहले तो बोले 4 दिन एक बम मिल जाएगा, जी जी सड़क भी आपकी करवा देंगे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, गर्भवती महिलाओं को कंधे पे टांग के हम सड़क तक लाते हैं साहब। आज की जो बैठक मैंने ली थी नगर पालिका के कामकाज की समीक्षा के संदर्भ में था और नगर में कैसा काम विकास का चल रहा है। क्योंकि आज किसी कारण से स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी आने थे वो आ नहीं पाए, तो दो व्यवस्थाओं के संदर्भ में मेरी चर्चा हुई है। एक यहाँ की विद्युत व्यवस्था और साफ़ सफाई की बात, दोनों के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि यहाँ की विद्युत व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक की जाए। अगली बैठक में शीघ्र में आऊँगा। हो सकता है कि कोई किसी कारण से वो ना आ पाए हों और उसकी समीक्षा में करूँगा क्या कारण है। स्मार्ट सिटी का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, 3 साल से लगभग अधूरी है। अगली बैठक हम जल्दी बुला रहे हैं और उस बैठक को बुला के और आप लोगों से भी चर्चा करेंगे, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से भी बात करेंगे और शहर में भी घूमने जाएंगे इस व्यवस्था को देखने के लिए। हमने केवल
उन अधिकारियों को बुलाया था, तो एक बार कम से कम ये बात तो कर लें उनसे कि क्या चल रहा है, क्या दिक्कत, उसके बाद हम सारे हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो पार्षद हों चाहे वो अन्य किसी पदों पर, उनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। इसीलिए हम आगे एक बड़ी बैठक बुलाने जा रहे हैं।